हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वार टू, क्योंकि वर्ल्ड वार से पहले हमने लीग ऑफ नेशन और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वार टू। ये वर्ल्ड वार टू ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप 12th क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ही शॉर्ट में हमें बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, ये आपका 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट होता है, जब लीग ऑफ नेशन की समाप्ति हो जाती है। जब लीग ऑफ नेशन भंग हो जाता है, तब ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। ये अगस्त 1945 तक चलता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, ये आपका, हमने एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ इस चीज़ को जो हमने पहले पढ़ा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा 1914 से 1918 था, फिर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर थोपी जाती है, बहुत सारी चीज़ें। फिर 1919 में जब ये खत्म हो जाता है, तो लीग ऑफ नेशन लाया जाता है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 1920 से 1939 तक चलता है लीग ऑफ नेशन। और 1939 में हमने बात किया था कि 1 सितंबर जब जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड के ऊपर और बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, वहीं से पूरा जो लीग ऑफ नेशन की जो एक महत्ता थी वो खत्म हो जाता है, जो इसकी वैल्यू थी वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही 1939 को 1 सितंबर को इसकी वैल्यू खत्म होती है, उसी दिन से एक सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर से दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम बात करें मरने वालों की संख्या, तो मरने वालों की संख्या लगभग 6 से 8 करोड़ जनसंख्या थी लगभग, क्योंकि पहले वाले की तुलना में इसमें और ज्यादा जनधन की हानि हुई, प्राकृतिक संसाधनों का हानि हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से देश थे। अब देखिए, ये जो मित्र राष्ट्र है और एक मित्री राष्ट्र है, तो एलाइड पावर पहले भी था, लेकिन पहले वाले में हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर था, लेकिन अब यहाँ पे एक्सिस पावर है। एलाइड पावर पहले वाला ही है और इसमें एक्सिस पावर है। एलाइड पावर में कौन कौन से देश थे मित्र राष्ट्र में? यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस। लेकिन इन सभी देशों में से 5 ही मुख्य देश थे, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना। हम बात करते हैं एक्सिस पावर में, तो एक्सिस पावर जो था धुरी राष्ट्र, इसमें था आपका इटली, जर्मनी और जापान। जापान को हम थोड़ा नजर से देखेंगे, इसमें क्या है मेनली कि जो जापान था प्रथम विश्व युद्ध में, ये एलाइड पावर में था और एलाइड पावर से उठकर इन दोनों में कुछ मतभेद हो गए थे इनके अंदर ही, जिसकी वजह से जापान उठकर एक्सिस पावर में आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या रहा, आखिर ये भी हुआ तो इसके भी कुछ ना कोई वजह होगा कि आखिर ये हुआ क्यों। इसका मेन वजह था राइज ऑफ मिलिट्रिज्म, जो सैनिक थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, जापान में बहुत ज़्यादा सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी, हथियारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सेकेंड है इसमें द अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता है, जो वर्साइल की संधि हुआ था, इसमें अनजस्ट हुआ था, अनजस्ट यानी कि अन्याय हुआ था जर्मनी के साथ। तो जर्मनी, अब देखिए पहला विश्व युद्ध में मेनली मेन जो वजह था जर्मनी की वजह से हुआ था, अब हुआ था तो उसके साथ बदला लिया गया। 1919 में जो वर्साई की संधि था उसके ऊपर अनेक तरह की संधियां थोपी गई, तो उसी चीज का बदला लेते हुए इसने क्या किया कि अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बनाया जर्मनी ने, और द्वितीय विश्व युद्ध की पूरा तैयारी कर रहा था। जैसे कि आपने जर्मनी के बारे में सुना ही कि हिटलर जो था जर्मनी के, उसी की वजह से स्टार्ट हुआ। फिर हम बात करते हैं फ्रांस वेंजफुल बिहेवियर विद जर्मनी। फ्रांस जो था इसके साथ वेंजफुल बिहेवियर था, और हम बात करते हैं डिमांड्स ऑफ इंपेरियलिज्म की, कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था कि ये लोग अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे, डिमांड्स ऑफ आपका जो एलाइड पावर था वो भी और जो एक्सिस पावर था वो भी, दोनों क्या कर रहे थे, अपने जो थे साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा करते चले जा रहे थे। तो न्यू इंपेरियलिज्म, जो नए देश थे, जो नए कब्जा करने वाले देश थे, वो थे जर्मनी और जापान, जो पहले से कब्जा करते आ रहे थे, जैसे यूके, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग पहले से ही कब्जा करते आ रहे थे, और इनका मुकाबला करने के लिए नए इंपीरियलिज्म के रूप में जर्मनी और जापान भी सामने आकर खड़े हो गए। ये जो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध यहीं पे हम पूरा डिटेल्स में तो नहीं बता रहे, लेकिन जितनी जरूरी है, जितना समझना जरूरी था वो हमने बता दिया। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, कब हुआ और किस किसके बीच में हुआ। अब हमारा इसके बाद जो आप पढ़ोगे कोल्ड वार, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोल्ड वार में क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था।